तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल की दीवार गिर जाती है और उसके बाद मलबे के नीचे आप देख सकते हैं दो कारें आ जाती हैं, दो कारें ही नहीं बल्कि एक्टिवा और बाइक भी जो है मलबे के नीचे आ जाती है। लाखों रुपए का नुकसान जो है यहाँ पर लोगों का जरूर हुआ है। जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जाएगी वहाँ तक आपको आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबे के नीचे जो है गाड़ियाँ आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी, यानी कि दीवार स्कूल की गिरी थी और उसके बाद जो है यहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ किस तरीके से चपेट में आ जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी मलबे के नीचे दबी हुई है, किस तरीके से गाड़ी डैमेज हुई है। एक ये गाड़ी है यहाँ पर खड़ी थी, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी तरह से डैमेज जरूर हो चुकी है। स्कूल की दीवार यहाँ पर जरूर खुड़ी हुई थी और किस तरीके से भर भरा कर जो है दीवार गिर जाती है। स्कूल के जो स्टाफ है और जैसे भी होगा जो है कि जो हम मिल के जो है ना कि इसको कंप्रोमाइज करेंगे, और ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसके कारण जो है ना कि कोई भी नुकसान होता है, कोई जानबूझकर तो कोई नुकसान होता नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर जो है कि इनके साथ मिले हुए हैं। हम एक पड़ोस के नाते हमें जो है कि पड़ोस का जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लापरवाही रही सब, कई बार कहा गया था इनकी तरफ से दुकान नहीं सर, कोई ऐसी कुछ ऐसा नहीं था कि जो है कि बिल्कुल दीवार पक्की थी सर, जो है ना कि कहीं भी कोई भी बिल्डिंग जो है ना कि इस उसमें जो है कि गिर सकती है। ये हमारा जो है ना कि स्टेट वे था और ये जो है कि हम आपस में मिलकर जो है ना कि इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल प्रबंधन की ओर से यह बयान था कि शॉर्ट आउट जरूर कर ले जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मलबे में किस तरीके से स्कूटी कारें और एक्टिवा जो है बाइकें जो है वो आ चुकी हैं मलबे के नीचे। किस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियां पड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा हादसा स्कूल की दीवार गिरने से हुआ। जहां तक हमारा कैमरा जाएगा वहां तक आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां आपको मलबे में नीचे दबी हुई जरूर नजर आएंगी। आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर मलबा पड़ा हुआ है और किस तरीके से एक बहुत बड़ा हादसा शुरू हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी स्कूल की दीवार गिरी हो, इससे पहले भी कई बार स्कूलों की दीवारें गिर चुकी हैं, लेकिन इस बार सही बात यह है कि कोई बच्चा जो इसकी चपेट में नहीं आया, किसी की जान नहीं गई, सिर्फ गाड़ियां ही क्षतिग्रस्त जरूर हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, किस तरीके से मलबे के नीचे गाड़ियां आ चुकी हैं। आप देखिए कारों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कितनी भर भरा कर जो है दीवार गिरी हो गई थी। और फिलहाल सेक्टर 13 की तस्वीरें हैं ये, जहां पर आप देख सकते हैं दीवार भर भरा कर गिर जाती है स्कूल की और उसके बाद मलबे के नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दो एक्टिवा बाइक और एक्टिवा और सामने खड़ी दो कारें भी मलबे की नीचे दबी हुई देख सकते हैं। आप मानने को तैयार नहीं है, आप आगे प्रोफेशन बन के, ये तो रात का समय था, बचाव हो गया सर, बहुत बचाव हो गया, बोल रहे हो तो हम तो देख के आए हैं मीडिया ठीक है, तो 50 लोग रेडी हैं यहाँ पे, बयान दे देंगे चौकी में, एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर, फिर आप मानते नहीं बात। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्कूल की दीवार थी यहाँ पर और गनीमत यह रहती है कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि हादसा जो है रात के समय होता है और दीवार के पास खड़ी ये गाड़ियां जो है वो हादसे में चपेट की में आ जाती हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं एक्टिवा सामने स्कूटी खड़ी है और ये बाइक है और उसके आगे जो है एक एक्टिवा और है आप देख सकते हैं, और सामने आप देखिए दो कारें खड़ी हैं, दोनों ही डैमेज हो चुकी हैं, यानी कि लाखों रुपए का नुकसान यहां पर जरूर हुआ है। दीवार स्कूल की जरूर गिरी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो उनके पर खच्चे उड़ चुके हैं, गाड़ियां डैमेज हो चुकी हैं स्कूल की दीवार गिरने के बाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हाल हुआ।